अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। उसके लिए लिया मैंने 200 ग्राम चिकन बोनलेस। उसमें मैंने डाला है 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर और 1/2 टीस्पून ही लहसुन का पाउडर। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इधर मैंने साथ ही एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल के गरम होने के लिए रख दिए। ऑयल हमारा गरम हो गया, अब हम इसमें डालेंगे चिकन को। चिकन को हम कर लेंगे अच्छे से फ्राई। लाइट पिंक सा कलर इसको देना है हमने। चिकन हमारा अच्छे से भुन रहा है। ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना हमने, बस इसको जैसे कह सकते हैं शैलो फ्राई करना है। चिकन हमारा हो गया फ्राई, अब मैं चिकन निकाल लूंगी। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल इसमें से फिर बच गया। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल। वेजिटेबल में है मेरे पास गाजर, मटर, ये सेम की फल्ली जिसे हम ग्रीन बीन कहते हैं वो है। ये सारी तीनों सब्जियां मेरे पास 1 कप है और ये शिमला मिर्च है मेरे पास 1/2 कप। इनको भी डाल के हम ऐसे ही शैलो फ्राई कर लेंगे। सब्जियों को हल्का सा पका लेंगे ताकि सब्जियां भी हमारी अच्छे से पक जाएं। शिमला मिर्च मैंने फ्रेश ली है और वो जो गाजर, मटर और सेम की फली थी इनको मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। ये भी मैं किसी दिन आपको बताऊंगी कि हम सब्जियों को कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं और उनके कलर भी ख़राब नहीं होते। एक चुटकी मैंने इसमें नमक डाला है और 1 से 2 चुटकी समझ लें ज़रा सी काली मिर्च, सिर्फ सब्जियों के लिए। इसी तरह हम अपनी वेजिटेबल को फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। चिकन डाल के अब हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सब्जियां और चिकन अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। सब्जियां हो गई हैं हमारी रेडी। अब हम इस पैन को कर देंगे साइड पे। ये हमने ले ली एक खाली पतीली, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल,
और 2 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया मक्खन। अब ये हम क्या बना रहे हैं भला, वाइट सॉस, बड़ी मज़े की यमी यमी सी। ये वाइट सॉस के लिए हमने ऑयल और मक्खन डाल दिया है। दो टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है मैदे के। अब हम मक्खन और ऑयल में मैदे को भून लेंगे अच्छे से। मैदा हम अच्छे से भून रहे हैं। मैदा भूनते वक्त आपने एक ख्याल रखना है कि चम्मच नहीं छोड़ना, चम्मच को चलाते रहना है। अगर हम चम्मच को छोड़ देंगे तो मैदा हमारा जल जाएगा। मैदा हमारा बहुत अच्छे से भुन गया, इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। अब मैं इसमें डालूंगी दूध। दूध मैंने लिया 1.5 कप। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। और बीटर की मदद से मैं इसको अच्छे से हिलाती जाऊंगी, ये लम्स जो हैं सारे खत्म हो जाएंगे। ये मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है और 1/2 टीस्पून ही नमक है। सॉस पक रही है हमारी बड़े अच्छे से। मैंने इसमें डाला है 1/2 कप चीज। मजे मजे का यमी यमी सॉस। सॉस हमारी हो गई है रेडी, कितनी अच्छी से पक रही है और बहुत मज़े की थी, इतनी मज़े की मैं आपको बता नहीं सकती। ये मैंने इसमें डाल दिया पास्ता। पास्ता मेरे पास 1/2 पैकेट बॉईल किया हुआ पड़ा है, 1/2 पैकेट पास्ता मैंने इसमें डाल दिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें सब्जियां और चिकन भी डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
पास्ता हमारा हो गया रेडी। अब मैंने इसको एक बॉल में निकाल लिया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।